जो कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति है उसकी लगातार समीक्षा उच्च स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है। अभी तक की जो स्थिति है उसके अनुसार कुल 70 केस पॉजिटिव पाए गए हैं और टोटल टेस्ट जो अभी तक किए गए हैं 8,297। हमारे यहाँ कुल जो आपदा राहत केंद्र जिनमें डेली वेजर्स, मजदूर, ठेला वेंडर्स ऐसे लोगों के लिए जो विभिन्न शहरों में चलाए जा रहे हैं उनकी संख्या आज 3 बढ़ी है। 153 ऐसे केंद्र चलाए जा रहे हैं पूरे राज्य में और इनमें लगभग 25,000 बेनिफिशरीज इसका लाभ उठा पा रहे हैं। जो क्वारंटाइन कैंप्स हैं, क्योंकि उनमें जो लोग आए थे पहले उनका क्वारंटाइन पीरियड काफ़ी लोगों का पूरा हो गया है तो उनकी संख्या कम हुई है। आज के दिन में टोटल 1,895 पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन कैंप सभी चल रहे हैं और उनमें 17,899 इतने लोग आवासित हैं जिनको वहाँ पर भोजन, आवासन और चिकित्सा की सुविधा दी जा रही है। हम लोगों के पास जो बिहार के बाहर लोग स्ट्रैंडेड हैं विभिन्न राज्यों में, उनके यहाँ से लगातार फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आते हैं और हम लोग लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। मुख्य रूप से ये कॉल्स बिहार भवन में जो रेजिडेंट कमिश्नर के यहाँ कंट्रोल रूम बना हुआ है, इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में कंट्रोल रूम है और मुख्यमंत्री सचिवालय में भी इसके फ़ोन आते हैं। तो अभी तक कुल 59,390 कॉल्स या मैसेजेस 59,390 और इन कॉल्स जो ये आई हैं इनमें जो विभिन्न ग्रुप करते हैं ये कॉल, एक ग्रुप में कई कई लोग होते हैं, तो लगभग 10 लाख लोग, 9.92 टू बी प्रिसाइज, इतने लोग के बारे में सूचना प्राप्त हुई है और इनको हम लोग मुख्यमंत्री राहत कोष से जो राशि सैंक्शन की गई है मुख्यमंत्री विशेष सहायता के रूप में वो दे रहे हैं। अभी तक कुल जो रजिस्ट्रेशन हुआ है मुख्यमंत्री विशेष सहायता के अंतर्गत वो 13.26 लाख इतने लोग रजिस्टर करा चुके हैं और जो राशि ट्रांसफ़र हो चुकी है अभी तक वो है 6.67 लाख और इसकी जांच लगातार जारी है और शीघ्र ही जो बचे आवेदन हैं जांचों उपरांत जो भी सही पाए जा रहे हैं उनको शीघ्र ही राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। आप जानते हैं कि इसके लिए 50 करोड़ की एडिशनल राशि भी मुख्यमंत्री राहत कोष से रिलीज कर दी गई है, 100 करोड़ पहले दिए गए थे। बिहार फाउंडेशन के द्वारा जो राहत कार्य चलाया जा रहा है काफ़ी उसमें भी लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। 9 राज्यों में अभी हमारे 12 शहरों में 50 केंद्र चल रहे हैं, कल तक के 48 थे, 2 केंद्र और बढ़ाए गए हैं और इनमें अभी तक कुल 6,81,000 बेनिफिशरीज टोटल जब से ये केंद्र चल रहे हैं उन्होंने इसका लाभ उठाया है। जो पेंशन हम लोग सभी पेंशनधारियों को 3 महीने के एडवांस दे रहे थे उसमें भी लगभग ये काम कंप्लीट हो गया है। 84 लाख लगभग पेंशनधारी कुल बिहार में थे, टू बी 84.76 एग्जैक्टली, उनमें से अभी तक 83.84 लाख को ये 3 महीने की एडवांस पेंशन की राशि उनके खातों में ट्रांसफ़र कर दी गई है और ये अमाउंट कुल 1,006 करोड़ होता है।